हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज आप लोग के लिए एक और अपडेट लेके आया हूँ। वैकेंसी आई है DFCCIL में, ITI, डिप्लोमा और BTEC सभी छात्रों के लिए भर्ती आई है। तो आइए देखते हैं इसके एडवर्टीजमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और आप कब से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये एडवर्टीजमेंट है DFCCIL का। एडवर्टीजमेंट नंबर है 04/2021। स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन शुरू हो चुका है 24 अप्रैल से और इसका लास्ट डेट है 23 मई 2021 रात में 11:45। और जो इसका CBT यानी जो एग्ज़ाम होगा वो आपका जून 2021 में होना इसमें लिखा है। अब आते हैं नीचे, सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं और कौन कौन लोग इसमें भर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहला लिखा है जूनियर पोस्ट इंजीनियर, जूनियर मैनेजर, ठीक है। इसमें आपको सिविल के जो स्टूडेंट्स हैं वो भर सकते हैं जिनके पास BTEC की डिग्री है और 60% या उससे ऊपर मार्क्स हैं। टोटल वैकेंसीज़ आपके सामने लिखी हुई हैं और मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है। उसके नीचे आते हैं जूनियर मैनेजर ऑपरेशन, इसमें आपको 2 साल का MBA या फिर PGD BA या फिर PGD BM या फिर मार्केटिंग या बिजनेस में आपने या फाइनेंस में आपने किसी इंस्टीट्यूट से आपने किया हो 2 साल का कोर्स तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जूनियर मैनेजर मैकेनिकल, इसमें टोटल 3 वैकेंसीज़ हैं। अगर आपने मैकेनिकल BTEC किया है आपने या फिर BE किया है तो आप भर सकते हैं इलेक्ट्रिकल या फिर बहुत सारे जो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं आप देख करके पढ़ ले उसमें भर सकते हैं। और उसके बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट में, तो एग्जीक्यूटिव सिविल की टोटल 73 भर्ती आई है। इसमें आप देख सकते हैं 3 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और उसमें UR, SC, ST, OBC, NCL और EWS की आपकी पोस्ट सामने दिख रही हैं, आप लोग देख के इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में, टोटल 42 पोस्ट आई हैं। इसमें भी 3 ईयर्स डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इंस्ट्रूमेंट, बाकी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से आप देख के पढ़ सकते हैं। अगर इनमें से आपके पास 3 ईयर्स का डिप्लोमा है और 60% से कम नंबर नहीं है तो आप भर सकते हैं। इसके बाद आते हैं सब में जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A3 है और एग्जीक्यूटिव जो आपका सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की है उसमें टोटल 87 वैकेंसीज़ हैं और इसमें भी सब क्वालिफिकेशन आपके सामने है। काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उसमें भर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रो प्रोसेसर और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से, अगर किसी का भी आपके पास डिप्लोमा है तो आप भर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BDM, इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए 60% से कम मार्क्स नहीं चलेंगे। किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप भर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज़ 237 हैं और मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें A2 है। फिर आते हैं एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में, इसमें 3 ईयर्स डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग या फिर बहुत सारे अदर ट्रेड से भी भर सकते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 60% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए और मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें आपका A3 है। फिर और नीचे आते हैं, अब आते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर, इसमें इलेक्ट्रिकल की निकली है 135 वैकेंसीज और इसमें मांग रहा है 2 ईयर का आपका ITI सर्टिफिकेट। अगर आपने SC VT या NC VT अप्रूव्ड किसी भी कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन वायरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स किसी से भी किया है 60% से ऊपर मार्क्स हैं तो आप इसमें भर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें आपका A2 है। फिर आते हैं दूसरा जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसमें भी आपका ITI मांग रहा है और किसी भी आपने ट्रेड से दिए गए ट्रेड में से किया है तो आप इसमें भर सकते हैं। इसमें टोटल 147 वैकेंसीज हैं। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BDM, इसमें मैट्रिक आपने किया होना चाहिए 60% या उससे कम नहीं चलेगा, 60% ज़्यादा ही होना चाहिए और मिनिमम 2 साल का आपने ITI किया हो किसी भी ट्रेड से जिसमें 60% से ज़्यादा आपके स्कोर हो तो आप भर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, इसमें भी आपके पास ITI होना चाहिए फिटर इलेक्ट्रीशियन मोटर मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, इसकी 14 पोस्ट हैं। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पे, तो यहाँ पे सब कुछ आपको पहले बता दिया गया है कि 60% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए और फिर जो एज लिमिट आई देख लेते हैं। एज लिमिट जो यहाँ पे है वो आपकी जूनियर मैनेजर के लिए है 18 से 27 साल, एग्जीक्यूटिव के लिए है 18 से 30 साल, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए है 18 से 30 साल। और स्क्रॉल करके और नीचे आते हैं तो उसमें आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि 2 या 3 सेशंस में होगा, सिंगल या मल्टीपल डे में, जिसकी ड्यूरेशन 2 घंटे की होगी। और इसमें जो क्वेश्चन पेपर होगा वो मल्टीपल टाइप चॉइस होगा जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे और इसका सिलेबस आपका NSC और CE में दिया हुआ है। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 मार्क्स की रहेगी और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पेपर रहेगा। अगर हिंदी और इंग्लिश में किसी में कुछ अंतर होता है
तो इंग्लिश में जो दिया है वही मान्य होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क्स 40% रहेगा सीबीटी में जो आप देंगे, जो अगर आप यूआर हैं, अगर आप SC ST OBC या EWS हैं तो 30%, और 25% रहेगा ST कैटेगरी के लिए। और नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, देख लेते हैं। एग्जामिनेशन सिटीज़ की बात करें तो पटना, अहमदाबाद, गुवाहाटी, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, NCR, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, विशाखापट्टनम, रांची, रायपुर, पुणे, तिरुवनंतपुरम, चंडीगढ़, मोहाली। डिपेंड करता है कि कितने सेंटर्स के लिए रिस्पॉन्स रिसीव्ड हुआ है। और बात करें एग्जामिनेशन फ़ीस की तो जूनियर इंजीनियर के लिए अगर आप UR, OBC, EWS हैं, जूनियर मैनेजर के लिए तो 1,000, अगर एग्जीक्यूटिव के लिए हैं तो 900, और अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए हैं तो 700 रुपये प्लस आपका GST चार्जेस जो भी एप्लीकेबल होगा वो आपको देना होगा। बाकी सब डिटेल्स आपके एडवर्टीजमेंट में जो थी वो आपको बता दिया गया है। तो आप लोग फटाफट इसको भरना चालू कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और दोस्तों को बताइए कि DFCCIL में ITI, डिप्लोमा और बीटेक जो भी स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए वैकेंसीज आई हैं, और काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसीज आई हैं। तो आप लोग इसको भर करके अच्छी गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। तो तब तक के लिए, अगर सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस वैकेंसी के लिए।